हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ प्रोटीन और फाइबर से भरपूर मूंग का हेल्दी नाश्ता, जो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। मूंग को मैंने पानी में पहले से ही भिगो दिया है। आप अगर इसको नॉर्मल पानी में भिगाते हैं तो 4 से 5 घंटे के लिए भिगोइए, और अगर गर्म पानी में भिगोते हैं तो 2 घंटे के लिए सिर्फ भिगोइए। मूंग को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से इसको धुल लिया है। अब हम इसको एक मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस लेंगे। इसमें डाल देंगे 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, 1 लहसुन की कली, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा साबुत जीरा। इन सभी को डाल करके और थोड़ा सा पानी डाल करके, बहुत थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, इसको पीस लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम पीस लेंगे इसको। और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, काला नमक, थोड़ा सा जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, 1 चुटकी हींग और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच चावल का आटा, इन सभी को डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। इस तरीके की हमें बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए। गैस पे एक तवा या पैन रखेंगे, उसे अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, फिर हम इस पे बैटर डाल देंगे थोड़ा सा, और चम्मच से इस तरीके से इसको फैला देंगे। इस तरीके से गोलाई में पूरा फैला देंगे, बहुत ही आसानी से फैल जाता है। अब हम इस पर डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई प्याज। आप इसकी जगह और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, प्याज को थोड़ा हम स्पैचुला से दबा देंगे ताकि ये निकलेंगे। इसको हम पलट देते हैं, एक तरफ से सिक गया है, दूसरी तरफ भी हम सेक लेते हैं इसको। हमारा चिल्ला सिक गया है, देखिए। अब हम इस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे, उससे टेस्ट और अच्छा आएगा, चटपटा टेस्ट आएगा इससे। हम आपको एक और चिल्ला बना करके दिखा देते हैं। तरीके से बैटर डालिए और फिर इसको गोलाई से इसे फैला दीजिए। सेम प्रोसेस जैसे बताया था वैसे ही करना है, इसको आसानी से फैल जाएगा। अब हम इस पे प्याज डाल देंगे, फिर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसको। इसको पलट देते हैं, दूसरी तरफ सेक लेते हैं। ये चिल्ले बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।